अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, क्लास 11 मैथमेटिक्स अभी पढ़ रहे हैं और क्लास 12 की न्यू बैच चाहते हैं, आप यूट्यूब पर क्लास 12 की पढ़ाई चाहते हैं और वो भी संपूर्ण क्लास की पढ़ाई चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 1 से लेकर के संपूर्ण बुक की पढ़ाई मिलेगी और सभी पाठ मिलेंगे। तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी पाठ को देख ले, हम पार्ट वाइज कर दिए हैं, पार्ट एक से लेकर के अभी तक जो पार्ट बनाए हैं सभी को देख लीजिए, या आप हमारे किसी भी वीडियो को क्लास 12 की शुरू करेंगे तो बीच में आपको हैशटैग मिलेगा, देख सकते हैं 12, और इस हैशटैग को छुएंगे तो हमारे द्वारा बनाए गए सभी पार्ट का वीडियो आपको सीरियली आ जाएगा। ये जो क्लास 12 की न्यू बैच है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए है, ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट सीरियली तैयारी चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको किसी भी दिन क्लास मिस नहीं होगा, आप कहीं नहीं भी पढ़ेंगे, आप लोग वीडियो को देख करके कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और जो हम बताएंगे सभी को उतारते जाइए, आपको संपूर्ण क्लास की पढ़ाई मिलेगी, आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य, स्वतुल कहने से ही अर्थ हो गया कि स्वयं से तुलना, स्वयं से तुलना। तो स्वतुल के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं? वन एलिमेंट, एक एलिमेंट लेते हैं। स्वतुल के लिए कितने एलिमेंट लेते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल संबंध, इसमें हम एक एलिमेंट लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, जैसे सेट ए है, इसमें एक दो तीन एलिमेंट है, इसका रिफ्लेक्टिव रिलेशन होगा एक, जैसे एलिमेंट एक है तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, एक एक, दो है तो क्या लेंगे, दो दो, दो दो दो, तीन है तो हम क्या लेंगे, तीन। मतलब जिस सेट पर आधारित आप रिलेशन, रिफ्लेक्टिव रिलेशन लिखना चाहेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट लेंगे रहेंगे उसका सेल्फ रिलेटेड पेयर इसमें लेंगे, जैसे एक है तो क्या हो गया, एक एक, दो है तो क्या होगा, दो दो, तीन है तो तीन तीन। अगर एक भी पेयर गायब रहा, एक भी पेयर गायब रहा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको नहीं होगा, अगर एक भी पेयर गायब रहा तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब देखो ये पहला आपका हो गया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वह है आपका सिमेट्रिक, सिमेट्रिक सममित, जिनका हिंदी होता है सममित संबंध, क्या होता है, सममित संबंध। देखो ये रिलेशन जो है कहता है ए अगर बी से संबंधित है, ए रिलेटेड बी, यानी ए बी से संबंधित है। अब देखो तो किससे, बी जो है पुनः ए से संबंधित होना चाहिए, समझ गया ना, ये बी से संबंधित है और बी जो है ए से भी संबंधित है, तो वही रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी ए बी से संबंधित और बी भी ए से संबंधित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, इनमें दो। एग्जांपल में देखो, जैसे सेट ए ले लिए, इसमें क्या है, एक दो तीन एलिमेंट है, एक दो, एक दो, एक दो तीन एलिमेंट है जी सर। इसमें देखो पेयर लेते हैं एक दो, एक दो पेयर ले लिए दो एक, अब इसमें करना क्या, एक दो है ना, देखो ए बी यानी ए बी बी, अब क्या होना चाहिए, बी यानी दो एक, इसका विपरीत, समझ गया ना, एक दो है तो क्या होना चाहिए, वही क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है, वही क्या होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है, सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध, इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध। ये क्या होता है कि जैसे तीन एलिमेंट इसमें लेगा, कितने एलिमेंट लेगा, इसको डिफाइन करने के लिए ए बी से संबंधित, ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड, बी रिलेटेड सी। तो देखो जैसे ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित, बी सी से संबंधित हो, ए सी से संबंधित, रिलेशन कहता है कि ए सी से संबंधित होगा। तो देखो
इसमें आपको क्या आएगा? रिलेटेड सी, ए रिलेटेड सी। एग्जांपल में देखो, जैसे सेट ए लेते हैं, इसमें एक दो तीन एलिमेंट हो गया। इस पर आधारित रिलेशन एक आर लेते हैं, देखो एक दो से संबंधित हो और दो किससे संबंधित हो? तीन से। एक तीन से। एक किससे संबंधित होगा? तीन से। समझ गया ना? एक दो से संबंधित, दो तीन से संबंधित, एक किससे संबंधित होगा? तीन से। तो यही रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। समझ गया ना? जैसे मान के चलो कि एक जो है दो का दोस्त है, दो किसका दोस्त है? तीन का। देखो एक तीन का दोस्त होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त। यानी ये रिलेशन निकालने के लिए किसी पेयर का जो है ना अंतिम एलिमेंट और किसी पेयर का फर्स्ट एलिमेंट देखेगा। समझ गया ना? जो एलिमेंट मिला इसको क्या करोगे? छांट दोगे। इसको क्या करोगे? तो बस एक और तीन, एक और तीन इसमें क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। यानी ए बी से संबंधित हो, बी ए से संबंधित, देखो ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, तो ए जो है सी से संबंधित होना चाहिए। होना चाहिए। अगर ये भी चीज मिल गया रिलेशन में तो आपको क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। एक्सरसाइज 1.1 क्लास क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर एक में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। समझ गया ना? Yes, ये जो रिलेशन दिया है, इसमें दिया है, इसमें निर्धारित करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। जो है लिखना है रिफ्लेक्सिव है। अगर मान के चलो कि सिमेट्रिक रहेगा तो हम लिखेंगे सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव होगा तो हम क्या लिखेंगे? ट्रांजिटिव है। तो देखो एक नंबर का सवाल देखो, सेट ए आपको दिया है, कह रहा है कि समूच ए बराबर एक दो तीन, इसमें जो है दो चौदह तक क्या है? एलिमेंट है। अब देखो मैं संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि इस सेट पर एगो संबंध जो है ना, इस सेट पर एक संबंध परिभाषित है। किस प्रकार से परिभाषित है? देखो R बराबर है आपको, R बराबर एक्स वाई सच डेट थ्री एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। इस प्रकार से संबंध क्या है? परिभाषित है। तो एक सेट ए है, एक सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट है? समझ गया ना? 14 एलिमेंट है। और इस पर एक जो रिलेशन है ये इस प्रकार से संबंधित है। ये आर फोर क्या हो गया? रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। तो कह रहा है कि एक्स वाई यानी दो एलिमेंट लेगा, एक्स वाई पेयर। समझ गया ना? जैसे इसमें हम एलिमेंट एक लेते हैं, क्या लेते हैं? एक लेते हैं। तो देखो एक जो हम लिए हैं तो किसके जगह लिए हैं? एक्स के जगह लिए हैं ना। देखो यहाँ पर आपको दिया है 3x-y बराबर जीरो, तो y बराबर क्या होगा? जीरो। 3x नहीं होगा? जी सर। 3x-y बराबर क्या है? जीरो। तो y बराबर क्या होगा? 3x होगा ना? जी सर। y माइनस में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अगर x का मान एक लेंगे तो y का मान क्या निकलेगा? एक्स का मान एक तो तीन होगा। तीन होगा जी। जी सर। अगर एक्स का मान हम एक लेते हैं तो तीन गुना एक क्या हो गया? तीन होगा। तो वाई का मान क्या निकला? तीन। एक्स का मान हम एक लेंगे तो वाई का मान क्या निकलेगा? तीन हो गया। जी। उसके बाद देखो एक्स का मान अगर हम दो लेते हैं, कितना लेते हैं? दो। तो वाई का छह। वाई का मान क्या? यहाँ पर दो रखेगा तो तीन दूनी छह हो गया ना? जी सर। अगर x का मान, समझ गया, x का मान तीन रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? x का मान तीन रखे तो y का मान क्या होगा? नो हो गया ना? अब x का मान क्या रखेंगे? चार रखेंगे तो y का मान क्या होगा? बारह। बारह
एक्स का मान अगर हम 5 रखते हैं तो कितना होगा वाई का मान? 15। देखो सेट ए में 15 है नहीं है? सेट ए में 15 है नहीं है? 5 ले सकते हैं एक्स का मान? नहीं नहीं ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं? किसको दिक्कत है? वाई को दिक्कत है। किसको दिक्कत है? एक्स में एलिमेंट को दिक्कत है। तो यहाँ पर देखो, एक लिए, दो लिए, तीन लिए, चार तक लिए, 5 ले सकते हैं? सही सर। वाई वाला जो मान 15 आ रहा है उसी एटीएम में नहीं नहीं है, तो हम 4 तक ही ले सकते हैं। ये हो गया ना? जी सर। आप बोलो रिफ्लेक्सिव ये होगा? ट्रांजिटिव नो सर। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? नो सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव का मतलब ये हो गया कि सेट ए में 14 एलिमेंट है ना जी? जी नहीं है जी। तो देखो एक है तो इसमें क्या होना चाहिए था? एक एक होना चाहिए, एक एक होना चाहिए था ना जी। क्या एक एक है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेगा? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्टिव रिलेशन रिलेशन बिकाउज क्यों नहीं होगा? तो वन डज नॉट रिलेटेड वन, एक एक से संबंधित नहीं है। इसका तो ढेरों कारण मिल गया, दो भी दो से संबंधित नहीं है, तीन भी तीन से संबंधित नहीं है, चार भी चार से है। जी सर। तो कम से कम एक को कंडीशन विरोध कर दिया ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देखो एक है यहाँ पर, इसमें होना चाहिए था यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो देखो एक एक वाला पेयर कहीं पर भी है नहीं। दो है तो क्या होना चाहिए? यहाँ भी दो, यहाँ भी दो। देखो कहीं पर भी पेयर है दो नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं हुआ। समझ गया ना? तो यहाँ पर तो हम रिलेशन लिख दिए हैं, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर आप ये चीज नहीं भी निकालो फिर भी आप बना सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, तब कैसे बनाएगा? देखो आपको एक्स्ट्रा हम समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 3x-y है ना बराबर 0, तो यह वाई बराबर क्या हो गया? 3x + 4 रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं? एक एलिमेंट लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं? एक एलिमेंट। तो वाई बराबर क्या रखेगा? एक। वाई बराबर एक्स रखेगा ना? तो बोलो यहाँ पर वाई की जगह क्या रखोगे? वाई की जगह क्या रखोगे? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में एक्स और वाई का मान, दोनों का मान क्या होता है आपस में? बराबर होता है। तो वाई की जगह क्या रखेगा? एक्स। ये 3x हो गया ना, एक्स 3x के कभी बराबर होगा? नहीं होगा। नहीं। तो ये आप लिख सकते हो कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम रिलेशन लिख चुके हैं संख्या लेकर के, तो हम इतना क्यों करेंगे? समझ गया ना? आप बोलो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा? नो सर। सिमेट्रिक रिलेशन होगा? नो सर। सिमेट्रिक भी नहीं। बोलो तो? नो सर। देखो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा? नहीं होगा। देखो एक तीन से संबंधित है? नहीं। एक तीन से संबंधित है? एक तीन से संबंधित है? एक तीन से। एक तीन अगर इसमें है तो आपको क्या होना चाहिए था इसमें? क्रम तीन एक तीन एक होना चाहिए। जी सर। एक तीन है तो इसमें आपको क्या होना चाहिए था? तीन एक है? नो सर। नहीं है, है। इसलिए ये क्या होगा? नहीं होगा। मतलब सब पेयर मिल भी जाए, एक को पेयर नहीं मिलेगा तो हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ तो शुरुआत से एकदम शुरू हो गया है, मिल नहीं रहा है। समझ गया ना? जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ सबका जो है ये भी है तो बी ए मिल जाता, मतलब एक दो है तो दो एक मिल जाता, दो छो है तो क्या मिल जाता? छो मिल जाता। छो दो तीन नौ है तो क्या मिल जाता? नौ तीन। ये अंतिम वाला नहीं मिलता तो फिर भी हम क्या कहते हैं? ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। मतलब एक को विरोध कर दिया ना तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए ये क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो एक किससे संबंधित है? एक तीन से संबंधित। एक किससे संबंधित है? तीन से संबंधित है। तो एक तीन से संबंधित है
लेकिन तीन एक से संबंधित है नो सर। तो यहाँ पर लिखना है बट थ्री डज नॉट रिलेटेड वन वन तीन एक से संबंधित नहीं, नहीं है इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। किसको दिक्कत है इसमें किसी को नहीं। किसको दिक्कत है आप क्या चेक करेगा ट्रांजिटिव। आप देखो ट्रांजिटिव जो है ये होगा कि नहीं होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। जो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखो जैसे हम क्या बताएं किसी पेयर का जो है किसी भी पेयर का लास्ट एलिमेंट और किसी पेयर का शुरुआत का एलिमेंट किसी पेयर का लास्ट का एलिमेंट है किसी पेयर का शुरुआत का एलिमेंट आपस में अगर मिल जाए आपस में अगर मिल जाए देखो जैसे इसका लास्ट एलिमेंट है ना तीन तीन देखो किसके पहले तीन आ रहा है किस पेयर में पहले तीन आ रहा है सोनम कहाँ आ रहा है तीन में आ रहा है जी इसका तीन मिल गया जो मिल गया इसको छोड़ दो इस स्किन और इस स्किन को छोड़ दो छोड़ दिए तो क्या बचा एक और नो। इसमें देखो तो एक और नो है कहीं पर है एक नो कहीं पर हो रहा है रिपीट। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं जैसे मान के चलो कि ए बी से संबंधित हो बी से संबंधित सी से जी सर तीन एलिमेंट लेते हैं ना यस सर ए बी से संबंधित सी से और ए सी से संबंधित ए बी से संबंधित हो बी से संबंधित हो ए सी से संबंधित किससे संबंधित होगा ए सी से इसको मान लो ए इसको मान लो बी ये हो गया आपका बी ये क्या हो गया सी हो गया ना जी। अब देखो क्या होना चाहिए ए और सी ए सी ए सी मतलब क्या हो गया एक नो देखो इसमें है एक नो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगा नहीं होगा यहाँ पर लिखना है वन रिलेटेड आपको थ्री देखो एक किससे संबंधित है तीन से एक किससे संबंधित है तीन से लिखेगा ना एक तीन से संबंधित है ये मैथमेटिक्स रूप में हम इस प्रकार से लिखते हैं एक किससे संबंधित है तीन से यानी वन रिलेटेड थ्री वन रिलेटेड थ्री उसके बाद देखो एंड फिर तीन किससे संबंधित है तो थ्री रिलेटेड क्या करेगा नाइन इम्प्लाइज अब देखो इसके अनुसार ये और ये क्या होगा छट जाएगा ना अब कौन संबंधित होगा एक तो बोलो ये जो है नो से रिलेटेड है नो ऐसे काट दिया ना यस सर। अब लिखेगा आर इज नॉट ट्रांजिटिव आर जो है आपको ट्रांजिटिव नहीं है आर इज नॉट ट्रांजिटिव आर संक्रामक नहीं है। सवाल जो है सवाल इस प्रकार से है कि प्राकृत संख्याओं के समूह n में r बराबर एक्स वाई समझ गया ना yes. मतलब प्राकृत संख्याओं का समूह क्या है n है यानी नेचुरल नंबर है। इसमें जो आपको रिलेशन दिया है इस प्रकार से है एक्स वाई यानी एक्स वाई पेयर इस प्रकार से रहेंगे समझ गया y का मान क्या है x प्लस फाइव y का मान क्या है x प्लस फाइव एंड x का जो मान है वो आपको जो है चार से छोटा है समझ गया ना जी। x का मान क्या है चार से छोटा। तो अब इस पर देखना है कि कौन रिफ्लेक्सिव होगा कौन सिमेट्रिक होगा कौन ट्रांजिटिव होगा। तो देखो x का जो मान है वो आपको चार से छोटा चार से छोटा है तो बोलो x का मान क्या होगा एक तीन चार तीन तक होगा तीन होगा ना होगा। एक से क्यों शुरू किए क्योंकि एन प्राकृतिक संख्या का समुच दिया है सर जी। एक से ही क्यों शुरू किए क्योंकि एन दिया सर जी नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर नहीं देता तो जीरो माइनस जीरो से सर जुड़ जाता ना जी। अब देखो जब एक्स का मान एक है तो वाई का मान छह हो जाएगा रिलेशन लिखो तो जैसे मान के चलो कि हम एक्स का मान एक लेते हैं यानी एक्स के स्थान पर एक रखते हैं यहाँ पर देखो यहाँ पर तो y का मान क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x का मान एक रख देगा तो पांच एक क्या हो गया छह हो गया ना।
दो और सात, आप देखो एक्स का मान हम क्या रखेंगे, दो, पांच जोड़ेंगे सात हो जाएगा, तो पाँच दो सात होगा। अगर एक्स का मान हम दो रख देते हैं, समझ गया ना, जैसे एक्स का मान हम दो रख दिए ऐसे, तो बराबर सात, यहाँ पर एक्स के स्थान पर क्या रखेगा, दो, दो, दो प्लस क्या हो गया फाइव, प्लस क्या हो गया फाइव, कितना होगा सेवन होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया सेवन। अगर x का मान, x का मान थ्री रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं, थ्री रखते हैं, देखिए यहाँ पर x की जगह पर क्या रखेंगे, तो y का मान क्या निकलेगा, निकल गया। आप बोलो ये रिफ्लेक्सिव होगा, नो सर जी, नो सर, ये रिफ्लेक्सिव होगा, नो सर, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, नहीं होगा, नो सर, ना होगा, एलिमेंट क्या है, एक दो तीन है ना, जी सर, एक्स का मान क्या है, एक दो तीन, अगर तीन एलिमेंट है, एक है, दो है और तीन है, तो क्या करेगा, एक रिलेटेड एक होता है ना जी, जी सर, एक होता है ना, दो रिलेटेड दो होता है ना, तीन रिलेटेड तीन, तीन होता है ना, जी सर, क्या एक एक है, नो सर, दो दो है, नो सर, तीन तीन है, तो यहाँ पर लिखेगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कारण क्या देगा, बिकॉज बिकॉज ए नॉट रिलेटेड, नॉट रिलेटेड वन, जी सर, समझ गया ना, एक एक से संबंधित नहीं है, इतना सर जी सब हो जाएगा, हो गया जी, समझ गया ना जी सर, एक एक से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। अब दूसरा देखो सिमेट्री, दूसरा सिमेट्री भी नहीं होगा, ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड, यहाँ पर देखिए एक छह है, छह एक है ना, जी सर, देखो बोर्ड पर देखो सब समझ जाएगा जी, एक किससे रिलेटेड है, छह से, यानी एक छह है ना, ए और बी, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि छह एक भी होना चाहिए, इसे सिमेट्रिक क्या कहता है, छह एक भी होना चाहिए, उल्टा के भी होना चाहिए जी सर, मान के चलिए एक छह है ना, तो छह एक भी, उसमें क्या खोजेगा, छह एक खोजेगा, देखो एक छह है तो छह एक है, इसमें है क्या ये सिमेट्रिक होगा, नो सर, यहाँ पर लिखेगा आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेटेड, देखो ये यहाँ पर आपको हो गया वन रिलेटेड सिक्स, वन रिलेटेड क्या हो गया, सिक्स सिक्स नॉट रिलेटेड वन, डज नॉट रिलेटेड वन, यस मतलब एक छह से संबंधित है, आर फोर क्या हो गया, संबंधित रिलेटेड, रिलेटेड जी, आर फोर रिलेटेड मतलब रिलेशन से रिलेटेड बना है जी, तो एक छह से संबंधित है, इनका शुद्ध हिंदी क्या होगा, एक छह से संबंधित है, यानी वन रिलेटेड से संबंधित है, उसके बाद सिक्स डज नॉट रिलेटेड वन, जी सर, छह नहीं है, संबंधित नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन होगा, तो यहाँ पर लिखेगा आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, इसके भी कारण लिखेगा, नो सर, नो सर, हो गया वही पहले ही हम वही कारण हो गया। तीसरा इसमें देखो ट्रांजिटिव सर, तीनों का कारण लिख सकते हैं ना, तीनों दो सात, तीनों का कारण लिखना होगा, नहीं है तो कारण लिखेगा ना, क्यों नहीं है, तीनों का ना, इसका कहने का मतलब है कि एक छह जैसे किया ना, तो दो सात से भी रहता वो भी कारण लिखते, सात दो क्यों ना है, देखो हाँ लिख सकता है, तो मान के चलो कि लॉन्ग प्रोसेस में जाएगा ना, मतलब हम क्या बताएं कि एको को विरोध कर दिया तो नहीं होगा, नहीं होगा, तो उतना लिखने की कौन जरूरत, जरूरी है नहीं है, आप देखिए इसमें ये तो होगा ही नहीं ट्रांजिटिव रिलेशन, जी सर, ये ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसे मान के चलो कि एक किससे संबंधित है, छह से, इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, छह के किसी में, आप बोलो इसका लास्ट एलिमेंट अगर छह है तो देखो किसी के शुरुआत में छह मिल रहा है, नो सर, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, सात है, तो किसी के शुरुआत में सात नहीं मिल रहा है, सात मिल रहा है, नो सर, ये आठ है तो मिल रहा है, नो सर, इसीलिए ऐसा अगर मिल जाता तो हम फिर जो है कि वो दो को कॉमन एलिमेंट को छांट करके वो पेयर देखते, समझ गया ना,
एलिमेंट ऑफ जो मिल बी और सी देखते एक दो मिलता है निकल गया ये दो तीन मिलता है ना जी सर ये दो जो मिलता है इन दोनों दो को छोड़ देते हैं क्या पूछते हैं एक चीज जी सर हालांकि को तो मिला ही नहीं सातवीं में नहीं मिला किसी की शुरुआत में आठवीं मिला कोई डायरेक्टेड ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा अगर रिलेशन के अनुसार चलेगा किसके अनुसार चलेगा रिलेशन के तो फिर भी ये जो है आपको ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा हालांकि यहाँ पर हम पेयर लिख चुके हैं तो वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है वहीं से ना लिखे हैं हाँ तो यहाँ पर लिख दो कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन मान के चलो कि ट्रांजिटिव में हम कितने एलिमेंट लेते हैं तीन एक्स रिलेटेड क्या करेंगे वाई रिलेटेड क्या करेंगे तो एक्स रिलेटेड जेड हो गया एक्स वाई से संबंधित है तो रिलेशन में अगर एक्स वाई से संबंधित होता है तो वाई बराबर क्या होता है एक्स प्लस फाइव वाई बराबर क्या होता है एक्स प्लस उसी प्रकार से एक्स रिलेटेड वाई है तो वाई बराबर क्या होगा एक्स प्लस फाइव नहीं होगा जी सर अगर वाई रिलेटेड जेड है तो जेड बराबर क्या होगा वाई प्लस फाइव जेड बराबर वाई प्लस फाइव होगा ना प्लस फाइव अब देखो एक्स और जेड संबंधित होगा तो एक्स बराबर क्या जेड बराबर क्या होगा एक्स प्लस फाइव जेड बराबर एक्स प्लस फाइव हाँ नहीं होगा जी जी देखो क्योंकि एक्स और वाई से जो संबंधित एक्स अगर वाई से रिलेटेड होता है तो वाई बराबर क्या होता है वाई बराबर एक्स प्लस फाइव प्लस फाइव जी अगर मान के चलो कि एक्स रिलेटेड होगा जेड से तो एक्स बराबर ये आपको जेड बराबर क्या होगा एक्स प्लस फाइव मतलब जो शुरुआत में रहता है उसमें हम क्या करते हैं पांच जोड़ने देते हैं जी देखो शुरुआत में क्या है एक्स है एक्स में हम क्या किए पांच जोड़ने दिए तब ना इस वाई के बराबर लिखे उसी प्रकार से शुरुआत में क्या है एक्स है उसमें हम जेड बराबर जो लिखेंगे पांच क्या करेंगे जोड़ देंगे अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखो कि x रिलेटेड y का अर्थ हो गया y बराबर x प्लस फाइव और z बराबर क्या हो गया y प्लस फाइव होगा यानी शुरुआत में क्या है वाई है तो y को जोड़ देंगे y में पांच क्या करेंगे जोड़ देंगे अब देखो ये z यहाँ पर लिख दिए ये क्या है y है ना ये क्या है y का मान क्या है x प्लस फाइव नहीं है x प्लस फाइव तो y के स्थान पर हम क्या रखेंगे उसका पांच बचा हुआ था है ना तो पांच पांच क्या हो गया दो लेकिन रिलेशन के अनुसार जेड बराबर तुमको क्या होना चाहिए था पांच ना होना चाहिए लेकिन वो किया गया इसलिए ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं सिमेट्रिक में दो लेते हैं ट्रांजिटिव में तीन लेते हैं तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड ले लिए हैं तीन एलिमेंट क्या लिए हैं तो देखो रिलेशन के अनुसार क्या होगा रिलेशन का जो डेफिनेशन है परिभाषा है उसके अनुसार x रिलेटेड y होगा क्या होगा x रिलेटेड y x y संबंधित है और y रिलेटेड क्या लेगा जेड लेगा y z से संबंधित है देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है क्या जैसे तीन हम लड़के को लेते हैं जैसे ये हो गया आपको b हो गया क्या हो गया c तो देखो a का दोस्त b है ए का दोस्त क्या है बी का दोस्त क्या है सी ए का दोस्त क्या होगा सी होगा जी सर ए और सी संबंधित होगा जी सर क्या होगा क्योंकि दोस्त का दोस्त क्या होता है दोस्त होता है समझ गया ना सिमेट्रिक में हम तीन लेते हैं सिमेट्रिक में हम क्या लेते हैं तीन एलिमेंट लेते हैं तीनों को संबंधित उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर एबीसी लिए तो यहाँ पर आपको रिलेशन में एक्स वाई आपको एक्स वाई जेड के ही ना फॉर्म में लेना होगा कि एबीसी के फॉर्म में लेंगे एक्स वाई जेड के फॉर्म में लेंगे तो देखो क्या करोगे एक्स रिलेटेड वाई परिभाषा से ये कहाँ से आया परिभाषा वाई रिलेटेड जेड तो मतलब हुआ देखो पर ये जो रिलेशन किस प्रकार परिभाषित है ये जो बाद वाला मान होता है बाद वाला मान यानी बाद वाला मान क्या है वह है ना जी तो पहले वाले मान में कितना जुड़ जाता है पांच जुड़ जाता है एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ हुआ कि वाई बराबर क्या लिखोगे एक्स प्लस फाइव वाई बराबर क्या लिखोगे एक्स प्लस फाइव वाई बराबर एक्स प्लस फाइव नहीं लिखेंगे जी सर अब वाई रिलेटेड जेड है तो इसका अर्थ क्या हो गया जेड बराबर वाई प्लस फाइव नहीं होगा जी सर यानी बाद वाला मान के बराबर में क्या होता है शुरुआत वाला मान जोड़ देंगे हो जाता है ना जी ये हो गया अब देखो ये जेड है यहाँ पर ले लिए जेड ले लिए ये आपका क्या है वाई है वाई का मान क्या है एक्स प्लस फाइव
y के स्थान पर हम क्या रखेंगे x प्लस पांच रख दिए x प्लस पांच तो पांच जोड़ पांच कितना हो गया x प्लस दस जब सब में x प्लस पांच हो रहा है y प्लस पांच हो रहा है तो उसी प्रकार से x प्लस पांच ना होना चाहिए पांच में जुड़ना चाहिए सर जी पांच में जुड़ना चाहिए जी सर लेकिन कितना जुड़ गया दस जुड़ रहा है तो x और z संबंधित होगा ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है तीसरा नंबर का सवाल देखो तीसरा नंबर का सवाल है सेट ए दिया हुआ है समझ गया ना सेट ए दिया हुआ है एक है दो है तीन है उसके बाद क्या हो गया चार पाँच पाँच छह हो गया ना जी सर उसके बाद देखो आर बराबर क्या है आर बराबर है सर जी एक्स वाई डेट वाई एक्स वाई संबंधित है समझ गया ना जी सर वाई भाज है एक्स तो वाई भाज है एक्स तो वाई डिवाइडेड बाय डिविजिबल बाय एक्स देखो वाई इज डिविजिबल बाय एक्स इसका अर्थ हुआ वाई एक्स से विभाजित है वाई एक्स से क्या है विभाजित है आपको दिया है कि तीन में कि ए बराबर एक दो तीन चार पाँच छह ये सेट है इसमें छह को एलिमेंट है जी है ना एलिमेंट जी जी आप देखिए इस पर जो रिलेशन परिभाषित है आर बराबर एक्स वाई यानी दो को एलिमेंट साथ लेकर के जो पेयर बनाएंगे तो उसी एलिमेंट को साथ लेकर के पेयर बनाएंगे जिसमें क्या होगा वाई होगा एक्स को विभाजित करने वाला एक्स वाले हो समझ गया ना जैसे इसमें हम आर इसका रिलेशन लिखते हैं यहाँ पर वन लेते हैं देखो वन किसको विभाजित करेगा सही दो तीन छह पाँच छह को करेगा ना जी सर स्वयं को तो विभाजित करेगा है जी सर फिर क्या देंगे दो वन टू तो वन थ्री वन थ्री वन फोर फोर वन फाइव वन सिक्स वन फाइव हो गया वन फोर होगा वन फोर होगा पहले वन फाइव वन सिक्स मतलब की एक्स होता है क्या होता है वन देखो जैसे वाई जो है वाई एक्स विभाजित है जी सर वाई एक्स विभाजित है कि नहीं बिल्कुल एक्स हुआ ई क्या हुआ वाई ऐसे चला अब देखो एक का क्रिया खत्म अब बचा क्या है अब क्या बचा है दूसरा दो बचा है ना जी दो तीन चार दो चार से विभाजित होगा क्या दो चार से दो एक लिख सकते हैं नो सर दो दो लिख सकते हैं जो है एक को विभाजित नहीं रिलेशन क्या कह रहा है कि दो को करना चाहिए विभाजित जी यानी वाई किससे विभाजित है मतलब एक किससे विभाजित होना चाहिए था दो से क्या होगा विभाजित तो टू लिख सकते हैं नो सर तो हम क्या लिख सकते हैं दो दो लिखेंगे पहले दो 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 से विभाजित तब दो चार लिखेंगे दो छह तब दो छह अब देखो अब तीन वाला तीन दो का कम हो गया तीन तीन अब लिखते अब क्या लिखोगे तीन तीन तब तीन छह तीन तीन को विभाजित करेगा तीन छह तीन किसको विभाजित करेगा आओ कोई नहीं तो कर भी करेगा अब चार देखो चार चार को भी चार चार को करेगा ना पाँच पाँच अब चार छो को करेगा पाँच 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 को करेगा छो 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 उसके बाद छो छो को करेगा छो को हो गया ना जी सर जी पाला देखो ये जो पाला रिफ्लेक्सिव हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव क्या चेक करोगे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो बोलो जैसे इसमें छह तक एलिमेंट है ना जी सब का जो है सेल्फ रिलेटेड पेयर होना चाहिए ना तो रिफ्लेक्सिव होगा जी वन है तो आपको क्या मिलना चाहिए वन टू है तो आपको क्या मिलना चाहिए टू टू देखो ये मिल गया ना जी सर थ्री है तो क्या थ्री थ्री मिल गया होगा फोर है तो मिल गया फाइव फाइव सिक्स है ना सब का सेल्फ रिलेटेड पेयर है ना जी सर इसलिए इसमें एकदम क्या देगा एक्स रिलेटेड एक्स रिलेटेड एज फोर ओल एक्स बिलोंग्स टू फोर ओल एक्स बिलोंग्स टू यही लिखने के लिए आर इज नहीं आता है रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव नहीं समझ गया ना आर क्या हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर क्या हो गया रिफ्लेक्सिव दूसरा देखो सिमेट्री दूसरा सिमेट्री
तो सिमेट्रिक में देखो सबका जो जैसे वन टू है तो टू वन है नो सर नहीं होगा सिमेट्रिक का मतलब हम क्या बात जैसे इस पर हम तुलना करें एक है एक तो एक एक तो सेम एलिमेंट है ना जी सर किसी को भी पहले बोलो कोई फर्क पड़ेगा नहीं लेकिन एक दो है तो आपको क्या होना चाहिए दो एक क्या दो एक है देखो खोजो तो इसमें नो सर नहीं, नहीं, नहीं है यहाँ पर लिखना है एक रिलेटेड दो समझ गया ना वन रिलेटेड दो एक दो से संबंधित इम्प्लाइज टू डज नॉट रिलेटेड वन रिलेटेड नॉट यानी एक दो है ना तो दो एक भी इसमें होता जी सर तो सिमेट्रिक बोलते हैं यहाँ पर लिखना है आर सिमेट्रिक नहीं है आर सिमेट्रिक उसके बाद देखो तीसरा क्या होता है ट्रांजिटिव तीन एलिमेंट तीसरा क्या होता है ट्रांजिटिव आप देखो इसमें तीन एलिमेंट लेते हैं क्या लेते हैं तीन को मान लिया तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड किसका सदस्य है एक का देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन जो है होगा ही ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा ही निकाल सकते हो आराम से जैसे मान के चलो कि एक किसको विभाजित कर रहा है एक को फिर एक किसको विभाजित कर रहा है दो को तो अब जो ये एक और एक मिला है एक और एक मिला है समझ गया ना जी इनको क्या करोगे छोड़ दोगे जी सर तो एक दो बचेगा क्या बचेगा एक और दो एक दो को विभाजित करेगा नहीं एक दो को विभाजित हाँ करेगा ना सर करेगा ना जी सर करेगा आप मान लग गया ना जी सर किसी प्रकार से किसी को भी मिलाओ सब मिल जाएगा एक एक तो तीन किसी को भी सब मिल जाएगा समझ गया ना अच्छा मान के चलो कि ये दो है जी सर देखो शुरुआत में किसका दो मिलता है यहाँ पर मिला ना शुरुआत में दो जी सर तो अब ये जो दो है इस दोनों दो को क्या करेगा छांट देंगे फिर ऐसा किया एक और दो एक दो को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा उसके बाद देखो ये तीन है ना देखो शुरुआत में किसके तीन मिल रहा है ये यहाँ मिल गया ना जी सर इस तीन और इस तीन को क्या करेगा एक तीन बचा ना एक तीन को विभाजित करेगा कि नहीं करेगा करेगा ना जी तो देखो ये है ना ट्रांजिटिव रिलेशन जी सर अगर इसको नहीं समझना चाहते तो लिख दो आर इज है वहाँ सर जी एक बार देखे तो समझ गए सर वहाँ किसी को भी पेयर का तुलना कर लो ट्रांजिटिव होगा ही दो चार और दो छह सर जी तो उसका शुरू वाला ऐसे मिल जाता है उनको छांट देंगे तो अरे सब का मिल जाता है सब का मिल बोलो किसका नहीं किसी समझ गए सर जी सब का मिल ये दो चार है ना जी सर क्या है दो छो है ये चार लास्ट मिला है मिला तब क्या कंपेयर करोगे मिलेगा तब ना कंपेयर करोगे जी सर चार मिला तो अभी शुरुआत में चार किसका है इसका चार है दो से ई चार को छोड़ दो क्या बचा दो दो से मिल गया ना जी और ट्रांजिटिव रिलेशन में और दिक्कत है सर आर क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन है देखिए आपको जो है कि जेड एक्स मान के लो कि हिसाब में है कि जेड क्या है सेट है जेड क्या है सेट ये किसका सेट है पूर्णांकों का सेट है समझ गया ना पूर्णांकों का समुच्चय है और इस पर जो है एक रिलेशन आर लिखा हुआ है इस प्रकार से कि इसमें दो एलिमेंट लेंगे एक्स और वाई के रूप में अगर दो एलिमेंट लेते हैं तो दोनों का घटाव क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए दोनों का घटाव क्या होना चाहिए यानी एक्स माइनस वाई इज एज क्या होगा इंटीजर समझ गया ना एक्स माइनस वाई क्या होगा इंटीजर होना चाहिए एज लिखे हाँ एज आप पाला क्या चेक करोगे रिफ्लेक्सी जो लिखना चाहेंगे तेज मेरे साथ में उतारते चलो अब देखो तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या गो एलिमेंट लेगा एगो एगो एक्स प्लस एक्स बराबर क्या हो गया जीरो इज एन क्या हो गया इंटीजर आर क्या हो गया रिफ्लेक्सिव हो गया दूसरा देखो सिमेट्रिक सिमेट्रिक इसमें दो एलिमेंट लेंगे एक्स वाई मान लिए जेड का सदस्य है डेफिनेशन के अनुसार एक्स रिलेटेड क्या होगा वाई रिलेटेड तो अब देखो एक्स माइनस वाई किस क्या होगा ये बिलोंग्स टू जेड होगा क्या होगा जी या वाई माइनस एक्स जो है बिलोंग्स टू जेड ये आपको जेड में
बिलोंग्स करेगा कि नहीं करेगा? जी सर। तो वाई रिलेटेड क्या हो गया? वाई रिलेटेड जेड एक्स ना हो गया। जी सर। जेड तो ये पूर्णांक का समूह है ना? जी सर। तो आर क्या हो गया? आर इज सिमेट्री। तीसरा लिखो ट्रांजिटिव। तो जब बना है दी तो ट्रांजिटिव। अब इसमें आप कितने एलिमेंट लेंगे? एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड कैपिटल जेड। समझ गया ना? एक्स रिलेटेड क्या होगा? एक्स रिलेटेड वाई। वाई रिलेटेड जेड। जेड इसका अर्थ क्या हो गया? एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू जेड। जेड वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू जेड। क्या बोलो? एक का पांच नंबर इसमें है कि आर बराबर जो रिलेशन है पांच नंबर का रिलेशन इस प्रकार से कि आर बराबर देखो एक्स वाई मतलब इसमें जो पेयर के रूप में एलिमेंट रहेंगे समझ गया ऑर्डर पेयर रहेंगे ये किस प्रकार से है एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस। एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस यानी एक्स और जो वाई है एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका अर्थ हो गया एक्स एंड वाई यानी एक्स और वाई वर्क एट सेम प्लेस एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी दो आदमी का जो हम बनाएंगे पेयर तो किस प्रकार से बनाएंगे? उसी आदमी को लेंगे दो आदमी को जो एक ही स्थान पर कार्य करता है। अब बोलो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं? एक बताए ना रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेंगे? डिफाइन जो किया है एक। तो देखो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव देके डैश दिए एक्स बिलोंग्स टू क्या करेगा? एक। एक्स बिलोंग्स टू क्या करेगा? एक। क्यों? मान लिया कि एक्स कोई आदमी है एक्स कोई आदमी है अब बिलोंग्स टू ए मतलब ए मतलब क्या? ए कोई सेट है समझ गया ना जो आपके बुक में ही दिया है आपके बुक में ही दिया है। ए कोई क्या है? सेट है। अब ए जब सेट है तो उसके अंदर में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिलोंग्स टू का अर्थ क्या? एक्स तो एक का एलिमेंट है जैसे तुम इस क्लास में पढ़ते हो तो तुम इस क्लास के अंदर में हो कि नहीं हो? हो ना। इसमें हम सेल्फ रिलेटेड ना करते हैं रिफ्लेक्सिव में। इसमें कितना एलिमेंट लेगा? एक। यानी ये जो रिलेशन डिफाइंड है एक्स वाई तो यहाँ पर एक्स लेते हो तो यहाँ पर भी क्या लेना होगा? एक्स। क्या लेना होगा? तब ना सेल्फ रिलेटेड होगा। रिफ्लेक्सिव में हम वाई के स्थान पर भी क्या लेंगे? एक्स ही लेंगे। समझ गया ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? जैसे यहाँ पर है एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। रिलेशन में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। कहेंगे तुम्हारा नाम पचास बार क्यों न लिए? समझ गया? नाम तो नहीं बदलेगा। जहाँ पर तुम काम करते हो स्थान बदलेगा? तुम अगर दिल्ली में काम करता है तो तुम्हारा हम नाम दो बार ले ले क्या स्थान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो रिफ्लेक्सिव में यही करते हैं जी। एक्स लेते हैं तो एक्स एक्स दो बार अगर ए लेते हैं तो ए नहीं करते हैं। सेल्फ रिलेटेड नहीं करते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? एक्स और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये बोलो सेल्फ रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए एक्स किससे संबंधित होगा? एक्स से। क्यों? क्योंकि एक ही स्थान पर काम करता है। तो हम लिख सकते हैं ना एक्स रिलेटेड एक्स का क्या अर्थ यानी एक्स एक्स जो है आर का सदस्य है। एक्स रिलेटेड एक्स का क्या अर्थ? एक्स एक्स जो पेयर है वो आर का क्या है? सदस्य है। ये जो फोर ऑल बिलोंग्स टू करते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए तो मतलब ए में जितने भी एलिमेंट रहेंगे ए में सबका ना सेल्फ रिलेटेड पेयर होना चाहिए। बताए थे ना कि मान के चलो कि एक कोई ए है इसमें एक दो एलिमेंट है तो इसके रिलेशन में क्या होगा? एक एक और दो दो, दो, दो। इसलिए हम बोलते हैं फोर ऑल मतलब सभी मानों के लिए। तो सभी मान मतलब क्या? एक दो मान हुआ ना इसका इन दोनों मानों के लिए ना हमको लिखना पड़ गया। और एलिमेंट रहता वो सब उसके लिए भी लिखता लेकिन तुलना तो किसी एक को ही लेकर के पहले हम करेंगे। अब देखो क्या आ गया? सिमेट्रिक रिलेशन। अब क्या आ गया? सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है कि ए बी से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? बी से। तो बी किससे संबंधित होगा? ए से। अगर ए बी से संबंधित है तो बी किससे संबंधित होगा? ए से। उसी को नाम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं जी। अब देखो तो सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट लेगा?
सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट? दो एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव के लिए एक, सिमेट्रिक के लिए दो, और ट्रांजिटिव के लिए तीन। समझ गया? सिमेट्रिक के लिए कितने एलिमेंट लेगा? दो। तो मान लिए यहाँ पर तो एक्स वाई के रूप में है जी, किसके रूप में है? एक्स वाई। मान लिए एक्स वाई जो है किसका सदस्य है? ए का। एक्स वाई किसका सदस्य है? क्यों ए का सदस्य है? क्योंकि आपके बुक में दिया है सेट क्या है, ये है सेट क्या है, ये है। तो देखो परिभाषा के अनुसार पहले क्या होता है, ए रिलेटेड बी। क्या होता है परिभाषा से? एक स्थान पर यहाँ एक्स वाई ले रहा है, तो एक स्थान पर क्या देगा? एक्स। और बी के स्थान पर क्या देगा? वाई देगा ना। तो एक्स रिलेटेड क्या होगा? वाई होगा ना। जब एक्स रिलेटेड वाई हो गया, देखो यहाँ पर ले लिया ना एक्स रिलेटेड वाई, इसका अर्थ हो गया कि एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स और वाई क्या हो गया? एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब जो है कि उल्टा के बोलेगा, क्या बोलेगा? उल्टा के क्या बोल नहीं सकते हैं कि वाई और एक्स एक ही स्थान पर कार्य करता है। जैसे राम श्याम मधेपुरा में काम करता है, समझ गया ना? राम और श्याम कहाँ पर कार्य करता है? मधेपुरा में। तो क्या श्याम और राम बोलेंगे तो कहाँ पर काम करेगा? नहीं करेगा, उल्टा के भी बोलेंगे। तो सिमेट्रिक में क्या है, उल्टा के भी बोलते हैं, कोनो फर्क नहीं पड़ता, तबे ना सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे राम और श्याम मधेपुरा में काम करते हैं, श्याम राम बोलते हो जाता दिल्ली, तो क्या हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन है? तो हम बोलते सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, नहीं है। यानी उल्टा के भी बोलेगा कोई फर्क नहीं पड़े तो हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। यानी ए भी मिलता है तो आपको क्या मिलना चाहिए? बी ए भी मिलना चाहिए। तो वाई एक्स भी क्या होगा? एक ही स्थान पर ना काम करेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? वाई रिलेटेड एक्स। वाई किससे संबंधित हो गया? आर क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन। आर कौन रिलेशन हुआ? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। उसके बाद ट्रांजिटिव में आते हैं, हम किस में आएंगे? तो ट्रांजिटिव में बोलो, ट्रांजिटिव रिलेशन की हम कितने एलिमेंट लेते हैं? तीन लेते हैं ना। जब ट्रांजिटिव की हम तीन लेते हैं तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है, वाला पार्ट होता है ना जी, एलएचएस वाला पार्ट यहाँ पर आपको लिख देना है। अब क्या पुराना है आरएचएस वाला पार्ट जो आपका होता है, मतलब इस साइड का पार्ट, यानी ए रिलेटेड सी जी। यानी ए किससे संबंधित है? बी से। बी किससे संबंधित है? सी से। यहाँ एक्स जेड से संबंधित है। यहाँ पर एबीसी की जगह क्या है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड। तो हम क्या देंगे? एक्स रिलेटेड वाई और वाई रिलेटेड जेड। हो गया ना। एक्स जेड से पुराना है कि एक्स जो है जेड से संबंधित है। अब देखो तो x और y क्या कहेंगे? एक ही स्थान पर काम करते हैं। देखो x रिलेटेड y का क्या अर्थ हो गया कि x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्योंकि ये रिलेशन में लिखा हुआ है। जैसे एक्स वाई है ना, इस एक्स वाई को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x रिलेटेड y। क्या लिखेंगे? समझ गया ना। ये जो एक्स वाई है तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स रिलेटेड वाई, एक्स रिलेटेड वाई, समझ। तो यानी एक्स और वाई किससे संबंधित, मतलब एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, इनसे संबंधित है। एक ही स्थान संबंधित है, किनसे संबंधित है? एक ही स्थान से। एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ क्या हो गया? एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। कहाँ पर कहाँ कार्य करते हैं? अब वाई रिलेटेड जेड का अर्थ क्या होगा बोलो? वाई और जेड एक स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं ना जी। बोलो जब एक्स और वाई एक स्थान पर कार्य करता है, वाई और जेड भी एक ही स्थान पर काम कार्य करता है, तो क्या एक्स और जेड स्थान क्या होगा? जी सर, एक ही स्थान पर काम करेगा। जैसे एक्स और वाई क्या है? मधेपुरा में काम करता है। वाई और जेड कहाँ पर काम करते हैं? मधेपुरा में। तो तीनों व्यक्ति तो मधेपुरे में काम किया जी। यस सर। किसी भी किसी दो का नाम लेगा तो कहाँ पर होगा स्थान? मधेपुरे में होगा जी। तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्स और जेड जो है कहाँ पर काम करता है? मधेपुरा। यहाँ पे काम करता है। हो गया मधेपुरा में। तो ये देखो ये रिलेशन का विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा है कि स्थान का सहमत है, इसलिए एक्स किससे संबंधित हो गया? जेड से, सी से। इसलिए आर कौन रिलेशन होगा? जी एक का पांच का भी, समझ गया?
तो आर बराबर रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है एक्स वाई, इसमें अगर पेयर रहेगा समझ गया ना, एक्स वाई मतलब दो गो एलिमेंट लेंगे, ऑर्डर पेयर लेंगे, तो वे किस प्रकार के ऑर्डर पेयर रहेंगे, यानी उसी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, दो दो व्यक्ति का समझ गया ना पेयर बनाएंगे जो एक ही मोहल्ला में रहता है, समझ गया ना। जैसे आप लोग विद्यार्थी हो, यहाँ पर आप लोग विद्यार्थी हो ना, तो हम जो है कि दो दो का पेयर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दो दो का पेयर बना रहे हैं, तो वो कैसा पेयर बना रहे हैं जो एक ही मोहल्ला में रहता है, समझ गया ना, जो एक ही मोहल्ला में, जैसे मान के चलो कि तीन लड़का जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तीन ही तीन लड़का क्या एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तब हम दो दो को एक साथ हम रख सकते हैं, दो दो को हम एक साथ रख सकते हैं, इनको इनको रख सकते हैं, या नहीं तो उनको उनको रख सकते हैं, नहीं तो उनको उनको रख सकते हैं, ये ऐसा है रिलेशन, समझ गया ना। यानी एक ही मोहल्ला में रहेगा उसी को हम साथ में रखेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, साथ में रखेंगे। तो यहाँ पर जो है एक्स वाई, इसका अर्थ हो गया एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं। यहाँ पर आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे, कितने एलिमेंट लेंगे, एक एलिमेंट लेंगे नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लेंगे, तो हम क्या कहते हैं एक्स तथा वाई, एक्स वाई नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए एक ही लेते हैं, या ना, रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, यानी एक्स लिया है ना, तो फिर बोलेगा एक्स से, फिर क्या बोलेगा, एक्स तथा एक्स, एक्स तथा एक ही मोहल्ले में रहेंगे, मोहल्ला बदलेगा, मतलब किसी व्यक्ति का नाम दो बार ले लिया जाए, किसी व्यक्ति का दो बार नाम ले लिया जाए तो उसका मोहल्ला बदलेगा। देखो सिंपल, देखो रिफ्लेक्सिव हम बोल रहे हैं ना, तो रिफ्लेक्सिव का अर्थ होता है स्वतुल, क्या होता है स्वतुल, मतलब ए अगर ए से संबंधित है, ए जैसे ए एलिमेंट लेगा ना, क्या लेगा ए एलिमेंट, ए किससे संबंधित होगा, ए से, समझ गया ना, अगर ए एलिमेंट लेगा तो ए किससे संबंधित होगा, ए से संबंधित होगा। उसी प्रकार से अगर आप एक्स लोगे तो एक्स किससे संबंधित होगा, एक्सेस होगा, इसी को हम रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल मतलब स्वयं से, समझ गया ना, मतलब दो एलिमेंट लेगा ना, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है ना, क्या है एक्स वाई, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या लेना होगा, एक्सेस, क्या लेना होगा, एक्सेस, समझ गया ना, दो को एलिमेंट वाई अलग टाइप का है तो क्या लेना होगा, वाई वाई, रिफ्लेक्सिव के लिए यही लेगा। तो हम क्या करेंगे कि एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स रिलेटेड एक्स, एक्स एक्स का क्या अर्थ हो गया, एक्स एक्स से संबंधित है, एक्स एक्स से संबंधित है, तो यहाँ पर देखो संबंध क्या है, संबंध एक मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, संबंध यही ना बाजी, जैसे हम कहेंगे इस लड़का का संबंध क्या है, देखो संबंध कैसे होता है, जैसे हम एक मोहल्ले में रहते हैं तो संबंधित नहीं हो गए, मतलब भाई है तो क्या भाई भाई का संबंध नहीं हो गया, बहन है तो ये भी ना संबंध हुआ, एक ही घर में रहते तो ये भी ना संबंध हो गया। तो यहाँ पर देखो संबंध को देखना है, संबंध क्या है, एक मोहल्ला, संबंध क्या है मोहल्ला, समान मोहल्ला। तो देखो इसमें क्या एक्स रे वाई रे जेड रे कुछ भी रे, इसमें एक ही एलिमेंट लेना है, इसमें क्या लेना है, समझ गया ना, मतलब स्वयं से तुलना कर देगा, स्वयं से तुलना, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या स्वतुल, स्वयं से तुलना। तो क्या हम बोल सकते हैं एक्स लिया हम क्या ले रहे हैं, तो एक्स लेने का अर्थ क्या हो गया, एक्स एक्स, एक्स लेने का क्या अर्थ हो गया, एक्स एक्स, तो क्या एक्स एक्स एक ही मोहल्ला में होगा, होगा क्यों नहीं होगा, एक व्यक्ति का, एक ही व्यक्ति का नाम दो बार ले रहे हैं, क्या मोहल्ला बदल जाएगा, तो बोलो रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ, इसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को ना लिखेगा कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, जैसे यहाँ पर एक्स वाई है ना, तो रिलेशन क्या है, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो यहाँ पर वाई के भी स्थान पर क्या रख देगा, एक्स से रख देगा, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या रख देगा, तो एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं।
तो ये आपको क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा जी सर। कौन ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा जी सर। यहाँ पर लिख देना है आर सो तुल्य है, तुल्य संबंध आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। उसके बाद देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, सममित संबंध। क्या बोलते हैं, सममित संबंध। समझ गया ना, जैसे ए बी है, ए बी है तो उल्टा के भी हम देखते हैं। ए बी का मतलब क्या, बी है, बी होगा। आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक्स रिलेटेड वाई। सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, दो एलिमेंट। वो दो को एलिमेंट क्या हो गया, एक्स और वाई। वो दो को एलिमेंट क्या हो गया, एक्स और वाई। तो इसका अर्थ क्या हो गया, देखो एक्स वाई से संबंधित हो तो क्यों संबंधित है, एक ही मॉल एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ हो गया कि एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं। समझ गया ना, आप लोग लिख लेना। उसके बाद देखो अब ये हम क्या करेंगे, अब उल्टा के भी ना देखेगा। अभी x का नाम लिए हैं, बाद में y का नाम लिए हैं, तो इसमें क्या करता है, अब y का नाम पहले लेगा, x का नाम बाद में लेगा, तो हो जाएगा। तो देखो y को हम कहाँ रखेंगे, x के स्थान पर, ये क्या है तथा है ना, अब y के स्थान पर क्या रखेंगे, तो बोलो ये जो मोहल्ला वाला संबंध है बदलेगा भी, नहीं बदलेगा। मोहल्ला बदल जाएगा, नहीं। उल्टा पुल्टा के भी नाम लेंगे तो नहीं। तो यही ना है जी मैट्रिक, जैसे ए बी, समझ गया ना, ए बी है तो आपको क्या होना चाहिए, बी एस सी, बी ए। माना ए बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अब बी ए का मतलब क्या हो गया, बी ए एक ही मोहल्ले में रहते हैं। अगर उल्टाने पर संबंध बदल जाता तो हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक। उल्टाने पर बदला रिलेशन, तो ये होगा एक्स तथा वाई, देखो वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, संबंध नहीं बदला आर सममित, ये दूसरा मोहल्ला नहीं है, नहीं नोट करेगा सिमेट्रिक। देखो एकदम समझा कि नहीं समझा, समझा ना किन्हें, समझा दिमाग रखेगा वहाँ तो समझ नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान रखो एकदम कंसस करके एकदम समझेगा, समझ गया। आर इज क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन। आर क्या होगा, अब देखो हम ट्रांजिटिव रिलेशन में आते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, एक्स वाई से संबंधित हो, वाई जेड से संबंधित हो, तो इसका अर्थ हो गया कि वाई संबंधित किससे होगा, मतलब एक ही मोहल्ला में रहता है, तो इसलिए वाई जेड से संबंधित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो तो एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स और वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, और उसके बाद हो गया y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बोलो x z एक मोहल्ला में रहेगा, क्यों रहेगा, कैसे जी सर, x z एक ही मोहल्ला में रहेगा, रहेगा ना जी सर, मतलब तीनों एक एक मोहल्ला में रहता है, किसी दो का नाम लेके बोलेंगे तो मोहल्ला नहीं बदलेगा, अगर मोहल्ला बदल जाता तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होता। एक्स जेड से संबंधित हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आर कौन रिलेशन होगा, आर हो गया आपको ट्रांजिटिव रिलेशन, उतारिए एक के पांच का सी। इसमें देखो क्या कह रहा है, आर बराबर एक्स वाई, मतलब एक्स वाई ऐसे दो लड़के को रखना है, ऐसे दो लड़के को रखना है, तो x जो होगा, देखो इस सवाल में क्या है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो, मतलब दो को लड़का को साथ में रख रहे हैं, दो को लड़का को साथ में रख रहे हैं, तो पहला स्थान पर उस लड़का को रख रहे हैं जो दूसरे स्थान पर रखे गए लड़का से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ऐसे लड़का का कॉम्बिनेशन बनाना है, समझ गया ना, ऐसे लड़का का कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब जो 7 सेंटीमीटर लंबा पहले दूसरे लड़का से रहेगा
ऐसे दो का बनाना है, जैसे मान के चलो कि इसको पहले स्थान पर रखेंगे, इसको दूसरे स्थान पर रखेंगे, तो इसका अर्थ हो गया कि ये जो है 7 सेंटीमीटर लंबा है, किससे? इससे। तो हिसाब जो है यही कर रहा है, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। टॉलर देन वाई, एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट लेंगे? एक। रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट? एक लेंगे ना जी। तो बोलो एक एलिमेंट लेंगे, तो एक जो है जैसे हम ई एलिमेंट एक्स ले लिए, एक एलिमेंट में हम क्या ले लिए, एक्स ले लिए। तो कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। जैसे रिफ्लेक्सिव में हम एक एलिमेंट लिए, क्या लिए? एक एलिमेंट एक्स लिए, क्या लिए? तो इसका अर्थ हो गया कि एक्स है, जैसे 1 लेते हैं तो क्या होता है 1, तो एक्स लिए तो क्या होगा एक्स एक्स। तो देखो जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर क्या है वाई, यहाँ पर हम क्या रखेंगे एक्स रखेंगे ना, एक्स एक्स का क्या अर्थ होगा, एक्स एक्स 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये कह रहा है। देखो जैसे एक्स और वाई है ना जी, वाई से क्या कर रहा है, एक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। अगर एक्स रख देंगे यहाँ पर तो क्या होगा, एक्स एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा। तो कोई व्यक्ति मतलब 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं तुलना, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं तुलना। तो ये यहाँ पर संबंध क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा संबंध क्या है, 7 सेंटीमीटर लंबा। तो रिफ्लेक्सिव मतलब स्वयं से तुलना, तुम स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा, आप स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं। कौन नहीं समझा इसको, इसको कौन नहीं समझा, खड़ा करो। हाँ कारण लिखेगा तो लिखेगा कि कोई भी व्यक्ति, समझ गया ना, 6 से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं, कोई भी व्यक्ति 7 सेंटीमीटर स्वयं से लंबा नहीं सकता, इतना लिख के लिख दो, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं, नहीं है, समझ गया। इसको हम मैथमेटिकल रूप में कैसे लिखेंगे, तो एक्स डज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 7, समझ गया ना, एक्स जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा, तो इसलिए एक्स एक्स से क्या हुआ, संबंधित नहीं हुआ, कोई व्यक्ति स्वयं से संबंधित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हो गया। उसके बाद है सिमेट्रिक रिलेशन, इसके बाद क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में हम कितने एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट, दो एलिमेंट। सिमेट्रिक रिलेशन में दो एलिमेंट, दो एलिमेंट लेंगे, एक्स और वाई लेंगे, एक्स और वाई ले लिए। एक्स और वाई का मतलब क्या, जब एक्स और वाई साथ में है तो इसका अर्थ क्या होगा रिलेशन के अनुसार, दो दो एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए हम साथ में लिए हैं, इसका अर्थ क्या होगा, एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा, इसलिए हम साथ में लिए हैं। अगर नहीं होता तो लेते, क्योंकि रिलेशन कह रहा है, इसको लिख देना है एक्स वाई से कितना सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर। देखो एक्स बराबर क्या लिखेगा, वाई प्लस 7, एक्स बराबर क्या लिखेगा, वाई प्लस 7। देखो मैथमेटिक्स का भाषा रूप यह हुआ है कि एक्स जो है वाई से क्या सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर, इसलिए इसके साथ जोड़ना पड़ गया। बराबर करने के लिए वाई में कितना जोड़ना पड़ गया, क्यों, क्योंकि इसका अर्थ है कि वाई जो है एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा, समझ गया ना। कौन लंबा होगा, एक्स लंबा होगा कि वाई लंबा होगा, वाई होगा, एक्स होगा, एक्स होगा, वाई तो 7 सेंटीमीटर लंबा है ना, एक्स जी, हाँ एक्स लंबा होगा, एक्स लंबा होगा, समझ गया ना, समझ गया ना कैसा है। आप देखो तो ये इस अनुसार एक्स
प्लस सात है ना इधर ले आओ एक्स माइनस क्या होगा सात होगा ना बराबर क्या हो गया वाई हो गया ना तो बोलो रिलेशन के अनुसार वाई बराबर क्या होना चाहिए एक्स प्लस सेवन होना चाहिए लेकिन एक्स माइनस क्या हो गया सेवन नहीं समझ रहा है तुम लोग देखो यहाँ पर एक्स वाई है ना एक्स वाई से सात सेंटीमीटर लंबा है सिंपल अर्थ में समझो एक्स वाई से सात सेंटीमीटर लंबा है लंबा है क्या वाई एक्स से सात सेंटीमीटर लंबा होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा लंबा नहीं होगा नहीं है इसलिए वाई एक्स से संबंधित होगा नहीं होगा वाई एक्स से संबंधित होगा नहीं होगा तो यहाँ पर आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है नहीं है इसको समझने में दिक्कत हुई है सिंपल बात है ना एक्स वाई से सात सेंटीमीटर लंबा है तो वाई एक्स से सात सेंटीमीटर क्या होगा लंबा नहीं होगा छोटा होगा क्या होगा छोटा होगा छोटा ना होगा तो मान के चलो कि यहाँ पर संबंध बदल न गया लंबा से किस संबंध पर आ गया छोटा तो संबंध का नहीं विरोध हो गया भी लंबा है तो लंबे न होना चाहिए उल्टा दो कि पुल्टा दो इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा तीसरा क्या होता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन इसमें कितने एलिमेंट लेते हैं तीन तो यहाँ पर क्या लिखेगा एक्स वाई से संबंधित वाई जेड से सात सेंटीमीटर लंबा है कितना सेंटीमीटर लंबा है सात सेंटीमीटर और देखो और वाई रिलेटेड जेड का अर्थ क्या होगा y से सात सेंटीमीटर ज्यादा है y z जेड से सात सेंटीमीटर लंबा है सात सेंटीमीटर लंबा समझ गया ना इसीलिए बोलो x z से सात सेंटीमीटर लंबा होगा 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 x z से सात सेंटीमीटर लंबा होगा 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 सिंपल रूप से एक्स जो है ना वाई से सात सेंटीमीटर लंबा है देखो तीन लड़का का हम उदाहरण लेते हैं एक्स वाई और जेड समझ गया ना तो वाई जो है एक्स से क्या यहाँ पर एक्स जो है वाई से क्या सेंटीमीटर लंबा है सात सेंटीमीटर है ना जी और वाई जेड से क्या सेंटीमीटर लंबा है सात सेंटीमीटर एक्स जेड से क्या सेंटीमीटर लंबा होगा चौदह जी कुछ और ट्वेंटी नहीं होगा चौदह सेंटीमीटर लंबा होगा चौदह नहीं हो गया क्योंकि मान के चलो कि एक्स जो है वाई से क्या सेंटीमीटर लंबा है सात है ना सात है इसका मतलब ये हो गया कि हम एक्स का हम मान ले लेते हैं कितना तो y क्या सेंटीमीटर छोट है सात सेंटीमीटर इसका कितना लंबाई होगा बोलो तो चौदह चौदह सेंटीमीटर हो गया ना अब देखो y जो है z से क्या सेंटीमीटर लंबा है सात सेंटीमीटर ना तो z का लंबाई क्या होगा z की लंबाई क्या होगा सात देखो तुम लोग का माइंड ये सात ना होगा कितना होगा सात देखो तो अब एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा हुआ नहीं हो गया तो एक्स वाई से सात सेंटीमीटर लंबा है और वाई जेड से सात सेंटीमीटर लंबा है एक्स जेड से कितना सेंटीमीटर लंबा होगा लेकिन संबंध के अनुसार कितना सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए सात सेंटीमीटर क्या ट्रांजिटिव होगा नहीं होगा यहाँ पर लिखेगा एक्स जेड से सात सेंटीमीटर लंबा नहीं है रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है कि तो आर बराबर क्या है एक्स वाई एक्स इज वाइफ ऑफ वाई एक्स जो है वाई की क्या है पत्नी है एक्स वाई की क्या है पत्नी है ये इस प्रकार से संबंध डिफाइंड है मतलब दो गो पेयर लेगा समझ गया मान के लो कि एक पेयर में दो एलिमेंट होता है समझ गया ना
तो एक्स वाई पेयर के रूप में लेगा, रिलेशन के अंदर में एक्स वाई पेयर के रूप में लेगा, तो वह किस प्रकार से पेयर के रूप में लेगा, तो पहले स्थान पर जो रहेगा वह क्या होगा, दूसरे स्थान पर जो रहेगा उसकी पत्नी होगा। जैसे एक्स वाई है ना जी, पहले स्थान पर क्या है एक्स है ना, प्रथम निर्देशांक एक्स, और द्वितीय निर्देशांक क्या है वाई, तो प्रथम निर्देशांक जो होता है द्वितीय निर्देशांक की क्या होता है पत्नी, पत्नी मतलब एक्स वाई मतलब दो गो एलिमेंट को लेगा ना, तो अनेक अर्थ हो गया। जैसे वन टू लेते हैं, क्या लेते हैं वन टू, तो वन टू की क्या होगी, अगर हम दो तीन का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो दो तीन की क्या होगी, पत्नी होगी। अगर आठ दस का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आठ दस का क्या होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जी। तो ये तो हम आपको उदाहरण के रूप में समझाए, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, जैसे वन लेते हैं तो क्या करोगे, वन स्वतुल स्वयं से न तुलना करते हैं, तो वन किसकी पत्नी होगी, वन की। क्या ऐसा संभव होगा, कोई भी स्वयं का पत्नी होगा, बोलो। तो उसी प्रकार से रिलेशन है, करें कि एक्स वाई अगर पेयर के रूप में लिया जाए, समझ गया ना, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, तो एक्स वाई की क्या होगी, पत्नी होगी। तो रिफ्लेक्सिव की हम चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव की हम कितने एलिमेंट लेते हैं, एक लेते हैं ना, तो एक्स बोलो एक्स एक्स की पत्नी होगी, नहीं होगी। तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या लिखेंगे, एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, समझ गया ना, एक्स एक्स की पत्नी नहीं है, इसलिए एक्स एक्स से रिलेटेड हुआ नहीं। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति स्वयं का पत्नी नहीं होता, समझ गया ना। अब देखिए, अब सिमेट्रिक रिलेशन में आएंगे, तो सिमेट्रिक के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए दो एलिमेंट, दो एलिमेंट लेते हैं ना। तो परिभाषा से क्या होता है, यदि ए बी से संबंधित हो, ए बी से इंगित करता है कि बी ए से भी संबंधित हो, समझ गया ना, ए बी से संबंधित हो, बी ए से संबंधित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, कहते हैं, ये समझ लो ए है, ये क्या है बी है, तो परिभाषा से एल एच एस पार्ट लेगा ना तुम, तो एक्स रिलेटेड क्या होगा, देखो यहाँ पर एक्स वाई जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या हो गया, एक्स रिलेटेड वाई हुआ, इसका अर्थ क्या हो गया, एक्स रिलेटेड वाई, एक्स वाई से संबंधित है, एक्स वाई से संबंधित है। उसी प्रकार से एक्स रिलेटेड वाई है, तो देखो संबंध किस प्रकार से लिखा गया, एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स, अगर एक्स रिलेटेड वाई होगा, देखो एक्स ही यहाँ पर एक्स आ गया, ई वाई यहाँ पर वाई आ गया, समझ रहे ना जी, एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ होगा, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, समझ गया ना, एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ हो गया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये तो संबंध में ही दिया हुआ है आपके सवाल में ही। अब देखो सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, उल्टा के भी ना संभावना की तलाश करते हैं, जैसे एक्स है एक्स वाई है, तो अब क्या करोगे वाई एक्स, उल्टा के ना देखेगा ये रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मान के चलो कि अब हम वाई को हम क्या करेंगे एक्स के स्थान पर लाएंगे, यानी पहले लाएंगे, एक्स को हम कहाँ ले जाएंगे, वाई ले जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर बोले थे कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, अगर एक्स जो है वाई की क्या है पत्नी है, पत्नी है, क्या वाई एक्स की पत्नी होगा, क्या होगा, पति न होगा जी, एक्स वाई की क्या है पत्नी है, तो वाई एक्स की क्या होगा, पत्नी होगा, लेकिन उल्टाने के बाद पत्नी वाला ही ना रिलेशन होना चाहिए था, रिलेशन बदल गया कि नहीं बदल गया, जैसे मान के चलो एक्स वाई की पत्नी है, उल्टा दिए तो फिर भी वाई एक्स की भी पत्नी हो जाती जी, रिलेशन नहीं बदलता, तब हो जाता तो सिमेट्रिक नहीं होता, तो रिलेशन का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना, उल्टाने के बाद यानी रिलेशन बदल जाता है, पत्नी है तो पति वाला रिलेशन हो जाता है, तो ये विरोध हो गया ना, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, नहीं होगा, होगा सिमेट्रिक, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, तीसरा हम किस पर चर्चा करेंगे, ट्रांजिटिव की हम कितने एलिमेंट लेते हैं, तीन लेते हैं ना, इसका डेफिनेशन क्या है, ए बी से संबंधित हो, ए सी से संबंधित हो, समझ गया, ए बी से संबंधित हो, बी सी से संबंधित हो, और ए सी से संबंधित हो, उसे हम क्या कहते हैं,
तो ए बी बी सी ए संबंधित किससे हो गया बी से बी संबंधित किससे हो गया सी से तो यहाँ पर एक्स वाई के रूप में है तो यहाँ पर एक्स वाई जेड लेगा सीन एलिमेंट एक्स रिलेटेड क्या करेगा वाई और वाई रिलेटेड क्या करेगा जेड एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ होगा एक्स वाई की पत्नी है एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ होगा हो गया जी सर वाई रिलेटेड जेड का क्या अर्थ वाई जेड की पत्नी देखो एक्स रिलेटेड वाई का अर्थ होगा संबंधे में लिखा हुआ है ना जी एक्स वाई की पत्नी है उसी प्रकार से एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ होगा एक्स वाई की पत्नी है और वाई रिलेटेड जेड का क्या अर्थ होगा वाई जेड की पत्नी है अच्छा आप बोलो एक्स वाई की पत्नी है तो कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा वाई मेल वाई फीमेल होगा एक्स फीमेल होगा तुम लोग ये नहीं एकदम पता वाई मेल है एक्स फीमेल है समझ गया वाई मेल है तो वाई क्या है मेल है मेल हुआ ना उसके बाद एक्स क्या है फीमेल है ना अब देखो वाई रिलेटेड जेड वाई रिलेटेड जेड तो वाई जेड की क्या होगी पत्नी होगी यहाँ पर वाई क्या हो रहा है यहाँ पर वाई क्या हो रहा है मेल की फीमेल मेल मेल हो रहा है कहाँ पे सर यहाँ पर इस रिलेशन में मेल हो रहा है मेल हो रहा है फीमेल ना हो रहा है हैं यहाँ पर ईमेल है तो यहाँ पर फीमेल कैसे हो जाएगा मान लो कि एक्स रिलेटेड क्या है वह है एक्स वाई की पत्नी है पत्नी है ना और वाई रिलेटेड जेड का अर्थ क्या हो गया वाई जेड की पत्नी है तो यहाँ पर पति है यहाँ पर क्या है पति मतलब मेल गया ना तो यहाँ पर क्या हो गया पत्नी मतलब फीमेल तो जो आदमी मेल है वो फीमेल होगा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा समझ गया ना सिंपल शब्द में ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है चलो क्लास 12 समझ गया ना एक्सरसाइज 1.1 अब इसमें देखो वन ई नंबर का सवाल इसमें रिलेशन इस प्रकार से है जैसे एक्स वाई से संबंधित दो व्यक्ति को लेकर के पेयर बनाएंगे दो व्यक्ति को लेकर के हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे वैसे ही व्यक्ति को पेयर बना के लेंगे पहले स्थान पर रखेंगे कि एक्स इज फादर ऑफ वाई मतलब एक्स क्या होगा पिता होगा वाई क्या होगा फादर वाई पिता होगा समझ गया ना एक्स पिता और वाई क्या हो गया बेटा यानी एक्स जो है वाई का क्या होगा पिता यहाँ पर रिलेशन पिता का है यहाँ पर रिलेशन क्या है पिता का पिता का अब देखो तो रिलेशन में हम बताए ना कि भाई और बहन का रिलेशन क्या होता है भाई और बहन का रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स होता है यस रेस्ट रिलेशन जो है आपको ये रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स नहीं होता है तो परिभाषा को अगर गहन अध्ययन किया होगा तो समझ गया होगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होने वाला नहीं है सर पॉइंट वाइज किए थे ना यस सर तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई एक्स इज फादर ऑफ वाई अब देखो पहला क्या चेक करेगा रिफ्लेक्सिव पहला क्या चेक करोगे रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्टिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं एक लेते हैं रिफ्लेक्टिव के लिए कितने एलिमेंट लेंगे एक एलिमेंट एक एलिमेंट मान के चलो एक्स ले लिया वो एलिमेंट क्या ले लिया एक्स ले लिया इसका मतलब क्या हुआ साइन से संबंधित एक्स से आएगा उसका मतलब क्या हो गया एक्स से आएगा क्योंकि वन लेते हैं तो वन वन टू लेते हैं तो क्या टू टू थ्री लेते हैं क्या रिलेटेड स्वयं से संबंधित रिलेशन का मतलब ये हो गया कि दो का दो एलिमेंट को एक साथ लेगा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लेगा अगर एक्स लेते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया रिफ्लेक्सी मतलब एक्स एक्स से संबंधित होना चाहिए ना यस तो क्या एक्स जो है एक्स इज फादर ऑफ एक्स एक्स इज फादर ऑफ एक्स होगा यस सर कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता होगा नहीं होगा लेकिन ई अभी लिखा जाएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स नॉट बहुत बोले फादर ऑफ एक्स जो है स्वयं के पिता न फादर नहीं हो सकता मतलब रिफ्लेक्सिव का सिंपल नियम जहाँ पर एक्स लिया है ना यस वाई के स्थान पर भी क्या लेगा एक्स तब न स्वयं से स्वयं मतलब क्या खुद से खुद से इससे तुलना अगर मान के चलो कि वायर ले लिया दूसरा स्थान पर भी त
तब रिफ्लेक्सिव हुआ, स्वयं संबंधित हुआ, स्वयं मतलब क्या, स्वयं एक्स लेगा तो एक्स ही, समझ गया ना जी। तो अगर हम यहाँ पर एक्स ले रहे हैं तो वाई के स्थान पर भी क्या लेंगे, एक्स लेंगे, समझ गया ना, तब ना स्वतुल होगा, स्वयं से तुलना। अगर एक्स यहाँ पर रख दिए तो देखो तो ई लाइन क्या सही आपको लग रहा है कि एक्स एक्स का पिता है, एक्स वाई का पिता हो सकता है, हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव होगा, तुम ही एकदम सोचो, सिंपल दैनिक जीवन की बात है, कोई व्यक्ति स्वयं का पिता होगा, तो यहाँ पर क्या देना है कि एक्स से संबंधित नहीं हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति स्वयं से संबंधित इस रिलेशन के अनुसार। सुजीत तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आप दूसरा क्या चेक करोगे, सिमेट्री रिलेशन में से जी डज नॉट रिलेशन एक्स की जगह ये रहेगा। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट लेंगे, इसमें दो गो, कितने लेंगे दो, अब दो गो व्यक्ति लेंगे, यस सर, दो व्यक्ति लेंगे, यस सर। अब देखिए परिभाषा से क्या होता है, एक्स वाई से संबंधित होता है, कर दिए, देखो एक्स वाई से क्या है संबंधित है, ये कहाँ सा है एक्स वाई, परिभाषा से ए रिलेटेड भी तो लेना ही होगा, बी रिलेटेड, लेकिन बी ए रिलेटेड ये पुराना होता है, ए रिलेटेड भी आप परिभाषा से ले लोगे, एलएसएस पर ले लेते हैं, यस, लेकिन बी रिलेटेड ए जो है पुराना होता है, क्या होता है पुराना होता है, तो एक ले लिए ए रिलेटेड बी, यानी एक्स रिलेटेड क्या हो गया वाई, तो एक्स और वाई संबंधित क्यों है, क्योंकि एक्स जो है वाई का पिता है, संबंधित है, यस, एक्स और वाई क्यों संबंधित है, एक्स वाई का पिता साथ लिए हैं, यस सर, यहाँ पर लिखेगा एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ क्या होगा वाई, क्या हम लिख सकते हैं कि वाई इज फादर ऑफ एक्स, नो सर, ये चीज हम लिख सकते हैं कि वाई इज फादर ऑफ एक्स, नहीं लिख सकते हैं, एक्स वाई एक्स वाई का क्या है पिता, पिता है ना, अब ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, उल्टा 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 दो, ये अब जो है कि एक्स को यहाँ रख देगा वाई को, यानी सिमेट्रिक मतलब उल्टा दो, सिमेट्रिक मतलब उल्टा दो, उल्टा देते हैं, यानी हम पहले क्या ले लेते हैं, पहले वाई ले लेते हैं, एक्स को आप कहाँ रखोगे, अंत में भाषा वाला चीज समय रहेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स इज वाई फादर, वाई इज फादर ऑफ एक्स, क्या आपको सही लग रहा है, नो सर, नहीं सर, एक्स क्या हो गया पिता, वाई क्या हो गया बेटा, हम कहेंगे वाई पिता है, एक्स बेटा है, नो सर, सिंपल भी सोचो, एक्स क्या है बाप है ना, एक्स क्या है बाप, वाई क्या है बेटा, तो बोलो कोई बाप का बाप होगा, नहीं सर, बाप का बेटा होगा, कोई भी बाप का बाप होगा, बाप का एक बाप, इसलिए हम बोल सकते हैं, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि वाई एक्स का पिता है, नो सर, होगा नहीं सर, तो वाई इज नॉट फादर, नॉट फादर ऑफ एक्स, वाई जो है एक्स का कभी भी पिता नहीं हो सकता, वाई एक्स का बेटा है तो पिता कैसे होगा, नहीं होगा सर, वाई एक्स का क्या है बेटा, पिता होगा, नहीं होगा, तो y x से संबंधित नहीं हुआ, मतलब x y से संबंधित है लेकिन y x से संबंधित इस रिलेशन में नहीं है, विरोध न हो जाता है, इसीलिए तो विरोध हो रहा है सर। अब तीसरा आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव, 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 तीन एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट, तीन गो एक्स वाई जेड, आप देखिए यहाँ पर एक्स रिलेटेड y परिभाषा से कहाँ से आया, डिफिनेशन से, डिफिनेशन से, और क्या ले गए, वाई रिलेटेड जेड, वाह ना, यस सर, तो मतलब एक्स रिलेटेड एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ, एक्स जो वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता है, एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ वाई, अब ये देखो ई चिन्ह है ना, यहाँ पर ई चिन्ह ऐसे लिख दिया, और वाई रिलेटेड जेड का क्या अर्थ, जेड का पिता फादर ऑफ जेड होगा, यहाँ पर क्या लिखेगा, वाई इज फादर, वाई फादर ऑफ जेड, अब देखो तो उसी प्रकार से नियम क्या कहता है कि एक्स वाई से संबंधित हो, वाई जेड से संबंधित हो, तो एक्स किससे संबंधित, जेड से, जेड से संबंधित होगा ना, यस सर, क्या होगा जी, तो लेकिन किस रूप में,
पिता के रूप में, पिता के रूप में, किस रूप में बना है? पिता के रूप में, लेकिन ये तो लेकिन यहाँ जेड तो बेटा है सर जी। एक्स का बेटा कौन है? वाई। और वाई का बेटा है जेड। एक्स और जेड में कौन संबंध होगा? पिता, पिता इसमें भी बेटा का है। नहीं, कौन संबंध होगा? पिता का, पिता का होगा। पिता, पिता किस में? मारेंगे एग्जैक्ट में कौन संबंध होगा? पिता का होगा सर जी। पिता नहीं, बेटा का। पोता का ना संबंध होगा? बेटा का बेटा कौन हुआ? पोता। उसका बेटा ही है। पोता का दिमाग इतना भूत हो गया है, जब एक्स का बेटा क्या है? वाई का बेटा है जेड। तो बेटा का बेटा कौन हुआ? एक्स हुआ दादा, जेड हुआ पोता। पोता है एक्स दादा वाले। जेड क्या हो गया? पोता हो गया। एक्स दादा वाले, दादा वाला संबंध आ गया जी। यस सर। कौन संबंध आ गया? दादा वाला। लेकिन एक्स और जेड में कौन संबंध होना चाहिए था? पिता वाला। पिता वाला नहीं हुआ? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। नहीं सर। एक्स इज नोट, चलो विशेष बातचीत नहीं करना है। एक्स इज नोट फादर ऑफ जेड, फादर ऑफ जेड। तो सर जी जेड इज का के लिए यहाँ पर एक्स लिख दे रहे हैं। आप देखो एक्स जेड से रिलेटेड होगा, एक्स जेड से रिलेटेड होगा? नो सर, क्योंकि दादा पोता होगा। नोट रिलेटेड टू जेड। सब देखो आर ए, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये उतारी क्वेश्चन नंबर दो का जो रिलेशन इस प्रकार से है, जैसे ए बी, ए बी मतलब ये जो है कि दो गो एलिमेंट या दो गो संख्या को इस प्रकार के संख्या को साथ रखेगा जो निम्न प्रकार से होगा। किस प्रकार से होगा? निम्न प्रकार से। ए उसके बाद बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया ना जी सर, तब बंद कर दीजिए। तो इसका मतलब क्या? गेट लेस लेस बराबर इन को सजेट करते हैं। ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर। यस इक्वल टू, ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर समझ गया ना जी। अब पहला क्या चेक करोगे? पहला जो है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव चेक करेगा ना। यस सर। रिफ्लेक्सिव, आप देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट एक लेंगे ना। आप देखिए क्या राशि संबंध आर न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। जैन कर है। यस सर। दो नंबर का सवाल जो है इसमें रिलेशन इस प्रकार से, यानी ए बी मतलब दो गो एलिमेंट को साथ लेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। यस सर। ऐसे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएगा जो ये क्या है, ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर, ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर। समझ गया ना, जो स्वयं के वर्ग वर्ग के बराबर या छोटा हो, छोटा हो, स्वयं के वर्ग के बराबर या छोटा छोटा हो। तो बोलो यहाँ पर हम एक रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट लेंगे? एक एलिमेंट लेंगे। तो देखो ये तो ये जो है स्वयं के वर्ग के बराबर होगा, एक के लिए तो अति सही हो गया। क्या लेगा? संख्या एक, संख्या एक के लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप ही बोलो, ये हम ले लेते हैं दो, दो ले लिए ना। यस सर। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया? स्वयं स्वयं से तुलना करना। दो 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 दो, दो, दो लेगा। यस सर। आप ही बोलो, दो कभी भी दो स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं सर। होगा उससे छोटा तो होगा सर जी। मतलब दोनों का ना संभावना तलाशेगा, संभावना दोनों में तलाशेगा। यस। मतलब छोटा हो जाएगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वयं से छोटा होगा? नहीं नहीं होगा। है तो समझ रहा है ना? यस। इसलिए ये जो है जैसे ए और ए ही की ना बात कर रहे हैं जी, एक के लिए तो सही हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि एक लो, एक का स्क्वायर करो तो एक बराबर एक हो जाएगा। एक के लिए तो सही हो गया, लेकिन सब संख्या के लिए नहीं होना चाहिए। यस। क्या होना चाहिए? सब संख्या। क्या सब संख्या को फॉलो कर रहा है? यस। ए ए से संबंधित नहीं है। आर इज, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्क्वायर सर दीजिए ना, ए पे यहाँ पर ए पर स्क्वायर नहीं देना है। समझ गया ना? यहाँ पर ए पर स्क्वायर नहीं देना। यहाँ पर हम रिलेशन की ना बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं पड़ेगा। ये दर्शाने के लिए यहाँ पर था, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे मिलेगा सर्वतुल्य समुच्चय नहीं।
आप दूसरा देखो सिमेट्रिक देखो ज्यादा गहराई में चला जाता है इसलिए नहीं समझ पाता है सिंपल रूप से सोचना है समझ गया ना तो आसानी समझ जाओगे इसमें कितने लेंगे सिमेट्रिक दो गो दो एलिमेंट लेंगे ना यस दो गो ए रिलेटेड क्या करेंगे बी इसका मतलब हो गया ए बी से रिलेटेड संबंधित बी के वर्ग से समझ गया ना छोटा या बराबर है छोटा या बराबर ए बी के वर्ग के छोटा या बराबर तो बोलो बी ए के वर्ग से छोटा या बराबर होगा ना होगा होगा ना सर सिंपल बात है जी ए क्या है देखो तो बी के वर्ग से छोटा है या बराबर है तो बी कभी भी ए के वर्ग से छोटा या बराबर होगा नहीं सर जी उससे बड़ा होगा या बराबर होगा या उससे बड़ा होगा सर जी स्क्वायर को क्या हम उधर कर देंगे ए बी अपने रहेगा इधर राइट साइड में रहता है स्क्वायर जी सर समझ गया ना और दिक्कत है देखो तो रिलेशन इसके अनुसार न चलेगा इसमें है इसमें देखना होगा लेफ्ट है तो लेफ्ट देना होगा राइट है तो राइट देना समझ गया ना जी सर इसलिए इस साइड हो रहा है तो स्क्वायर इसी साइड होगा और दिक्कत है तो आर इज क्या होगा आर इज नो नो सिमेट्रिक रिलेशन अब तीसरा क्या चेक करोगे ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव तीन है ए बी सी ट्रांजिटिव इसमें देखो कितने एलिमेंट लोगे और बी रिलेटेड क्या करोगे बी रिलेटेड ए बी रिलेटेड सी सी बी रिलेटेड क्या करोगे सी अब यहाँ पर देखो ए रिलेटेड क्या है बी बी रिलेटेड क्या है सी सी है ना तो देखो ए रिलेटेड बी का क्या ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर यस ए लेस इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर ना होगा अब बी रिलेटेड सी का क्या अर्थ बी लेस इक्वल टू सी स्क्वायर सी स्क्वायर ना होगा यस सर बी लेस इक्वल टू मतलब जो बाद में रहता है ना उस पर स्क्वायर कर जाता है बाद में कौन है सी है सर जिस हैंड में रहेगा उसी हैंड में स्क्वायर देंगे हाँ इसी नहीं देगा मतलब क्या बाद वाले में एलिमेंट में स्क्वायर लगाते हैं यस बाद वाला कौन है बी वाला बी है तो बी में लगा बी पर न स्क्वायर लगाएंगे सी है तो सी कौन है सी है ई बीच में तीन है एंड ना बी लेस इक्वल टू क्या करेगा बी लेस इक्वल टू सी स्क्वायर अब देखो ई क्या है ए है ए ऐसे उतार दिए ई क्या है लेस इक्वल टू सी स्क्वायर ये देखो बी है ना अब बी का मान क्या है सी स्क्वायर क्या है बी का मान सी स्क्वायर इस बी के जगह क्या रखोगे सी स्क्वायर बी का मान ना सी स्क्वायर हाँ तो हाँ उसका स्क्वायर तो बाकी है यस सर आप बोलो ये लेस इक्वल टू सीन पावर चार क्या होगा चार चार होगा क्या होगा चार हुआ ना आप बुझ आप मान के चलो कि ये कौन संबंध है स्क्वायर वाला ना जी यस सर ये चार कहाँ से आ गया नहीं ना स्क्वायर वाला ना होना चाहिए स्क्वायर वाला है तो क्या होना चाहिए जैसे पिता का था तो पिते का संबंध होना चाहिए था समझ गया ना यस स्क्वायर वाला का सर इसीलिए नहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर समझ सकते हैं ए बी संबंधित हो बी सी संबंधित हो ए से संबंधित होना चाहिए सी से ए सी से संबंधित हुआ ए सी से संबंधित हुआ नहीं सुभाष जी नहीं हुआ स्क्वायर न संबंध है जी yes, संबंध चार आ जाएगा तो नहीं होगा चार हो गया तो संबंधित हुआ कहीं नहीं सर जी तो यहाँ क्या करेगा कार देगा कार दिए मतलब हुआ ए सी से संबंधित नहीं है नहीं है तो यहाँ पर लिखेगा ये डज नॉट रिलेटेड सी आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन इसका क्वेश्चन नंबर तीन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट आपको सेट दिया हुआ है जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है इसमें कह रहा है कि ए बी यानी दो एलिमेंट इस प्रकार के एलिमेंट को साथ लेंगे जहां पर बी का जो मान होगा ए के मान से अधिक होगा यानी ए का मान अगर आप एक लेते हैं तो बी का मान क्या होगा दो यानी ए के मान से एक अधिक यदि ए का मान अगर आप दो लेते हैं तो बी का मान क्या होगा तीन यानी ए के मान से एक अधिक तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रिलेशन जो है इसी प्रकार से डिफाइंड है कह रहा है कि यह जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मतलब कौन होगा यानी यही चेक करना है तो पहला हम चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेते हैं एक एलिमेंट, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए आप लेंगे पेयर ए ए। तो यहाँ पर देखिए पेयर किस प्रकार से डिफाइंड है, यहाँ पर होता है कि ये जो बी के स्थान पर ए है ये आपको हो गया बी, तो ए बराबर क्या होगा ए प्लस वन, मतलब कोई भी संख्या स्वयं से जो होता है एक बड़ी नहीं होता है, यानी रिफ्लेक्सिव आप क्या करेंगे बी के स्थान पर भी ए ही लेंगे, रिफ्लेक्सिव में एक ही ले लेते हैं, यानी ए भी ए ही होगा बी भी ए ही होगा, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा, ये सिमेट्रिक होगा या नहीं। दूसरा क्या होता है सिमेट्रिक, दूसरा जो हमको टेस्ट करना है ये है सिमेट्रिक सममित संबंध। तो देखिए अगर आपको b बराबर a प्लस वन यहाँ पर रिलेशन दिया है, अगर a बराबर भी b प्लस वन हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन इसके अनुसार। लेकिन देखिए ज़रा सोचिए अगर b बराबर आपको यहाँ पर है, b बराबर आपको यहाँ पर है a प्लस वन, b बराबर है a प्लस वन, तो फाइनली a बराबर क्या होगा b माइनस वन, b माइनस वन, इसलिए यह रिलेशन जो होगा आपको वो आपको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन कहता है अगर एक दो है तो आपको यहाँ पर इसमें क्या होना चाहिए दो एक भी होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन कहता है उल्टा के भी होना चाहिए। तो इसी प्रकार से दो जो है दो को हम एक जोड़ एक लिख सकते हैं, लेकिन इस दो को हम इस एक को हम ये जो एक देख रहे हैं इसको हम दो प्लस एक कभी भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक कभी तीन के बराबर होगा ही नहीं, इसलिए आपको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो देख सकते हैं अगर ट्रांजिटिव रिलेशन में एक हम दो लेते हैं और उसके बाद हम क्या लेते हैं दो और तीन लेते हैं, दो तीन लेते हैं, तो देखिए एक जो है दो से संबंधित है और दो किससे संबंधित है तीन से, तो दो किससे संबंधित हुआ दो से। तो अब देखिए ये जो कॉमन एलिमेंट है दो दो इनको छांट देते हैं, बचा क्या एक तीन, तो देखना है कि पेयर में एक तीन है कि नहीं है, अगर है तो वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो इस पर आधारित रिलेशन जो बना है देख सकते हैं किस प्रकार से बना है, जैसे सेट में जो है छो तक एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे ए का मान एक लेंगे तो बी का मान दो होगा, उसके बाद ए का मान दो लेंगे तो बी का मान तीन होगा, उसी प्रकार से अगर ए का मान तीन लेंगे तो बी का मान क्या होगा चार होगा, यानी बी का मान जो होता है ए के मान से एक अधिक होता है, तो ए का मान पाँच लेंगे तो बी का मान छः होगा, लेकिन ये छठा मान नहीं ले सकते हैं ए के स्थान पर, इसलिए क्योंकि छः एक सात हो जाएगा और सेट ए में जो है सात एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक दो से संबंधित है दो तीन से संबंधित है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि एक तीन से संबंधित होना चाहिए, तो एक तीन से संबंधित इसमें देखिए एक तीन पेयर खोजिए कहीं पर है नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन आपको नहीं होगा। बिल्कुल, तो चार का सवाल करो तेज से। अच्छा सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी सच डेट ए लेस इक्वल टू बी, समझ गया ना द्वारा परिभाषित स्क्वायर साइन है नहीं सर जी, लेस इक्वल टू क्या है बी है, बी है। अब बोलो ये बन जाएगा सर जी, तो मान के चलो कि कोई भी रिफ्लेक्सिव के लिए कितना एलिमेंट लेगा एगो, एक एलिमेंट लेगा ना, यस सर, ए जो होगा हो जाएगा ए के बराबर होगा कि यस सर, ये तीनों होगा सिमेट्रिक होगा, ए ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा होगा ना सीमित नहीं होगा, सिमेट्रिक। तो आर क्या होगा आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, समझ गया ना, यस सर, मतलब छोटा भी नहीं छोटा नहीं होगा, यस सर, लेकिन बराबर तो होगा जी, छोटा नहीं होगा लेकिन बराबर तो होगा होगा। अब चलो हम किस में आएंगे सिमेट्रिक रिलेशन में, किस में आएंगे सिमेट्रिक रिलेशन में। अब यहाँ पर देखो ये जो है क्या है ए, ए बी से छोटा है, ए बी से क्या है छोटा और बराबर छोटा है ना, तो बोलो बी ए से छोटा होगा नहीं सर, नहीं होगा, नहीं होगा, बी ए से बड़ा होगा, बड़ा ना होगा, यस सर, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ नहीं हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, इसको मिटा दो इक्वल टू, इसमें भी तो इक्वल टू दिए हैं तब काहे के लिए मिटा रहे हैं दोनों में, अब देखिए उसमें क्या था स्क्वायर भी ना था, इसमें स्क्वायर नहीं है, यस इसमें है ना, उसमें स्क्वायर था, समझ गया ना, कोई भी संख्या स्वयं के वर्ग के बराबर होगा ना, या कोई संख्या स्वयं से छोटा होगा ना, दोनों कंडीशन में फॉल्ट हो रहा था जी, यस सर, कोई भी संख्या स्वयं की संख्या से छोटा होगा ना, कोई भी संख्या स्वयं के वर्ग के बराबर होगा ना, होगा एक को छोड़ करके ना,
तो वहाँ पर फॉल्ट दोनों आ रहा था, इसलिए वैसा किए थे। अब इसमें देखो ये बी से छोटा है, बी किससे छोटा है? सी से छोटा। तो ये जो है ऑलरेडी किससे छोटा होगा? सी से बहुत ही छोटा होगा। यस सर, बी जो है ए से छोटा है, मतलब बी जो है ए से की से बड़ा है, बड़ा है ना। ये किससे छोटा है? बी से। बी से बी किससे छोटा है? सी से। तो बोलो सी तो बहुत ही छोटा होगा। सी से छोटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। बी ए से छोटा है, देखो ये जो है ना बी से छोटा है, बी से बड़ के छे सी ना। सी ए से भी ना बड़ सी है। यस सर। कई वाला बोल छे जी बड़का। ये रिलेटेड क्या हो गया? सी आर क्या हो गया आपको? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यहाँ पर देखिए पांच नंबर का सवाल है, किस प्रकार से पढ़ो तो सवाल को प्रश्न का जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। समझ गया ना? जांच करने के लिए बोल रहा है। जांच करने के लिए बोल रहा है। देखिए रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है कि आर बराबर क्या है? ए बी सच दैट ए लेस इक्वल टू क्या है? बी क्यू। ए लेस इक्वल टू क्या है? बी क्यू। बी क्यू है ना? यस सर। तो अब देखो कोई भी संख्या स्वयं के घन के बराबर होगा न होगा? रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट। यस एलिमेंट, एक को छोड़ करके। आप देखिए एक मतलब ये लिए ना जी, एक नहीं लिए, समझ गया ना। एक को छोड़ करके कोई भी संख्या जो है स्वयं के घन के बराबर होगा न? दो के लिए एकदम एग्जाम्पल ले लो, दो होगा। तो मतलब ये जो है आपको एक के लिए सही हो सकता है, समझ गया ना सर। एक को छोड़ करके दूसरे संख्या के लिए बराबर नहीं हो सकता होगा, नहीं होगा। अब मान के चलो कि बात हम करते हैं, तो अब कोई भी संख्या स्वयं के घन से छोटा हो सकता। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन स्वयं से ना तुलना कर रहे हैं जी सर, हैं? किससे तुलना कर रहे हैं? स्वयं से। क्या छोटा कर देगा? नहीं। जब स्वयं की बात हो रही है तो छोटा होगा न है? सर जी एक एग्जाम्पल दीजिए, तो दू है, इसी का स्वयं दू आया, तो दू का इसका घन हो जाएगा आठ, तो ये तो छोटा हो गया ना सर जी? ये छोटा हो गया, दो छोटा होगा, छेली हो गया। हाँ, लेकिन कोई भी संख्या जब हम एक ही चीज की तुलना कर रहे हैं तो छोटा कैसे कर देगा? देखो उससे तो घन की बात है, तो सर जी घन की बात है तो ये छोटा हो गया, संख्या ना छोटा हो गया जी, नहीं हो गया। हाँ, लेकिन स्वयं से छोटा नहीं होगा, लेकिन स्वयं से नहीं होता, नहीं होगा ना। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? स्वतुल स्वयं से तुलना। हाँ। अच्छा हाँ, संख्या में इससे छोटा हो गया लेकिन स्वयं से तुलना में, लेकिन स्वयं से तुलना में क्या हुआ? तुलना में मतलब रिलेशन का नहीं विरोध कर दिया, इसलिए ये क्या होगा? चलिए ये यहाँ पर संख्या के रूप में ये जो है ये सही हो गया, ये सही हो गया, लेकिन इस रूप में क्या हुआ? गलत हुआ होगा ना, के रूप में आर क्या हो गया? तो आर देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखिए यहाँ पर ऐसे काट दो और ऐसे काट दिए ना, और दिक्कत है नो सर। उसके बाद देखो सिमेट्रिक रिलेशन, इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन आप देखिए ये बी से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? बी से संबंधित है। तो देखो ए क्यू, ए समझ गया ना, ये जो है ए का जो मान है बी के घन से क्या है? छोटा छोटा है ना, ए का जो मान है बी के घन से क्या है? छोटा है, समझ गया ना। आप जो देखो तो बी का जो मान है एक के घन बड़ा होगा सर जी, एक के घन से क्या होगा? बड़ा होगा। समझ गया ना? होगा होगा होगा। इस कंडीशन के लिए समझ गया ना, सही हो सकता है, इस कंडीशन के लिए सही हो सकता है, क्योंकि घन है जी जी, इस कंडीशन के लिए सही हो सकता है। लेकिन हम यहीं पर इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू भी ना है जी, ये क्या है? इक्वल टू भी है, ऐसे इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू के लिए सही होगा? कभी भी ना होगा सर, कभी भी नहीं होगा, होगा इक्वल टू सही नहीं होगा। देखो दोनों का संभावना को तलाशेगा, विरोध वाला पर विशेष ध्यान देगा, विरोध वाला जो विरोध करता है उस पर ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। यस, तो ए बी से संबंधित हो गया लेकिन बी ए से संबंधित नहीं हुआ, नहीं होगा। कुछ कुछ परिस्थिति के लिए सही हो सकता है, लेकिन सभी परिस्थिति को देख के चलना है। अगर एक भी विरोध कर दिया, समझ गया ना, उस पे विशेष एक भी विरोध कर दिया तो नहीं होगा,
इसलिए बी ए से संबंधित नहीं हुआ, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद देखो ये किससे संबंधित है, बी से, बी सी से संबंधित क्या है, ट्रांजिटिव का परिभाषण है। यस सर। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक बी क्यू कर दिए जी सर, और यहाँ पर क्या करेगा, क्यू कर दिए ना जी, क्योंकि ये देखो बाद में भी है बी पर क्यू हो गया ना जी, तो बाद में क्या है बी है, बी पर क्यू हो गया ना, बाद में क्या है सी है, तो सी पर क्यू हो गया ना जी। अब देखो जो अंत में रहेगा उसी पर लगाएंगे, बी का मान क्या है, बी का मान ए है न, बी का मान सी है, सी है, सी है क्या है, सी है, यहाँ पर क्या रखोगे, सी है, सी क्यू में पावर क्यू होल क्यू, यस सर, होल सी क्यू पावर होल क्यू क्यू, तो सी पर पावर कितना हो गया, सी पावर नौ, कितना हो जाएगा। आप बोलो यहाँ पर नाइन न हो गया जी, लेकिन ये जो है क्या है तीन न है जी, तो पावर क्या होना चाहिए था, सेम होना तीन होना चाहिए, तीन होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया नाइन हो गया, ये भी न हो गया, तो बोलो ये भी विरोध कर रहा, नो ये संबंधित होगा नहीं होगा, ना ये डज नॉट रिलेटेड नहीं होगा, आर इज नॉट, यहाँ नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन,